हिमाचल प्रदेश में लगातार चल रही अवैध वोल्वो बसों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा कि सरकार की शह पर ये वोल्वो बसें आज प्रदेश में दौड़ रही हैं और सरकारी बसें बंद पड़ी हैं। सरकार अब टूरिज्म की वोल्वो बस चलाने की बात कर रही है। सरकार को पता होना चाहिए कि टूरिज्म भी किसी फिक्स रूट पर वोल्वो बस नहीं चला सकता। एचआरटीसी के घाटे में जाने और उनकी बसें ना चलने की जिम्मेदार खुद सरकार है, क्योंकि सरकार इलीगल फंक्शनिंग को बढ़ावा दे रही है। जीएस बाली ने कहा कि निजी वोल्वो बसें सिर्फ एक ग्रुप को ले जा सकती हैं, लेकिन आज सरकार की शह पर ये अवैध वोल्वो बसें सवारियां ढो रही है, जिसके चलते एचआरटीसी की बसें बंद पड़ी है। सरकार को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अपने अधिकारियों से उनकी लिमिट की जानकारी लो और पता करें कि क्या टूरिज्म फिक्स रूट पर वोल्वो बस चला सकता है। बाली ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार या तो आंखें बंद कर रही है या इलीगल फंक्शनिंग को बढ़ावा दे रही है। प्राइवेट वोल्वो दौड़ रही है रोज हर जगह से, और सरकारी वोल्वो जो है एचआरटीसी की बंद पड़ी है। टूरिज्म वाले कह रहे हैं जी हम अपनी वोल्वो चलाएंगे, इनको पता है कि टूरिज्म वाले भी वोल्वो चलाएंगे, दैट इज आल्सो इलीगल। गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग इलीगल फंक्शनिंग। वो एक टाइम के ऊपर नहीं चला सकते हैं, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज है जैसे प्राइवेट का है। दे कैन ओनली कैरी द ग्रुप्स एंड ट्रुप्स, दे कैन नॉट टेक अवे द सिंगल पैसेंजर। तो कानून की उल्लंघन अगर सरकार ही करने लगे, और वो भी फिर प्राइवेट को कितनी इनकरेजमेंट मिलेगी, तो सरकार को ये सोच लेना चाहिए बोलने से पहले कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपने अपने अधिकारियों को भी बताना चाहिए कि ये आपकी लिमिट है, आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि सरकार जो है या तो आंखें बंद कर रही है या गैर कानूनी काम करने की इजाजत दे रही है।